हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली एक वीक पहले पाकिस्तान में क्रिकेट टीम हुई कई सालों के बाद, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हुआ था तो श्रीलंका वहाँ पर गई थी, और वहाँ पर गई थी तो उनका स्वागत किया गया था गोलियों के साथ, बमों के साथ। वो ऐसे गए कि उसके बाद कोई वहाँ पर वापस गया ही नहीं। फिर पाकिस्तान के जो जितने भी स्टेडियम थे वहाँ पे शादियाँ होने लगी, लोगों के भंडारे होने लगे, लंगर परोसे जाने लगे, उनकी टीम को बाहर जाकर दुबई में जाकर कभी अबू धाबी में जाकर मैच खेलने पड़े। तो मतलब पाकिस्तान में क्रिकेट एक तरह से पूरा ख़त्म हो चुका था। फिर उन्होंने इंटरनेशनल जो ICC है वहाँ पर जाकर गुहार लगाई, उनके पाँव पैरा पकड़े, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारे देश में क्रिकेट कराओ, हमारा देश में अगर क्रिकेट होगा तो PCB को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो रोजी रोटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें की गई। तो मॉरल ऑफ स्टोरी ये हुआ कि इस साल पिछले हफ्ते एक कई सालों के बाद मैच खेला गया, और वहाँ पर जब श्रीलंका टीम से पूछा गया कि आप हमारे यहाँ पे आओगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर यहाँ से उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की और हाथ जोड़ कर कहा कि प्लीज़ आ जाओ, एक बार मैच करने दो हमें, अगर मैच करेंगे तो टिकट बिकेगी, टिकट बिकेगी तो पैसा होगा, तो हम टमाटर खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, पेट्रोल के लिए पैसा होंगे। चलो जी, यहाँ तक ठीक हो गया। और श्रीलंका से सबसे जो रद्दी टीम थी, सी ग्रेड की टीम, वो पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए आई। और जब वो मैच खेलने के लिए आई तो वहाँ पर उन्होंने क्लीन स्वीप किया, और पाकिस्तान की जो नंबर वन की टीम जो थी सरफराज एंड कंपनी, उनको बुरी तरह से, उन्हीं की टीम को वहाँ पे बुरी तरह से पछाड़ा, और वहाँ पर पछाड़ा। और फिर आपको पता पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है, उनके जो लोग हैं, देश के लोग हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन वो इमोशनल बहुत है। उन्होंने सरफराज के पोस्टर फाड़ दिए, गाड़ियाँ तोड़ दी, नारे लग गए। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को आप देखें और इन्जॉय करें कि उनके फैंस ने क्या कहा इतने सालों के बाद जब पाकिस्तान वहां पे क्लीन स्वीप होके हारा है। पाकिस्तान में सीरीज हार गया T20 का। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। हमने बड़े जश्न भंगड़े डाले, अंदर गए, लेकिन हमें हार का दुख इतना नहीं है जितना इनकी परफॉर्मेंस का दुख है। हम बहुत ज्यादा अफसरदा हैं आज। बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट किया इन्होंने हमें। आपका होम ग्राउंड है जहाँ से आप गए हो, जहाँ आपने खेला पूरी ज़िंदगी, आप वहीं पे नहीं खेल पा रहे तो आपने आगे क्या करना है। यहाँ आप, हम आपके लिए आए हैं, मैच देखने आए हैं, आपको इतना नहीं पता कि आपने खेलना है कैसे। इतनी देर बैठ के तो अभी कोई मज़ा भी नहीं आया। जितनी उम्मीदें थी उतना ही उन्होंने बिल्कुल पानी ही फेर दिया हमारी उम्मीदों पर, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बातें दो ही हैं, पहली बात ये है पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक है, और दूसरी बात है पंच सदका दो अपना, तो कोई बकरे बुकरे दियो तुसी सारे कले कले करके, स्पेशली अहमद शहजाद साहब ते उमर अकमल साहब, ताड़ी मेहरबानी है, या तो चले जाओ या चले जाओ मर जाओ। बड़ा मजा आया यार, मैं अभी कर रहा हूं। डिसअपॉइंटिंग था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान विल डू वेल, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट। एक प्लेयर नु बार बार चांस देना, अहमद शहजाद को की कढ़ना, जे उमर अकमल जो की कढ़ना, सानू ये समझ नहीं आ रही। इन्ने पिछा टैलेंट रोलदा पिया है, उन्होंने कोई मतलब कि उन्होंने कोई चांस नहीं है। बराने बार बार मिसवाल हक साहब आए, सानू उन्होंने अच्छी उम्मीद हैगी सी, लेकिन कोई है उन्होंने सरफराज जरा अहमद शहजाद टकरिया, उमर अकमल टकरिया, पहले उन्होंने की परफॉर्मेंस है, उमर अकमल की तो जरा फिटनेस नज़र नहीं आ रही। खजा तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दी उन्होंने, साफ जाहिर हो रहा है कि मैच हारा जा रहा है, लेकिन ये हमारी ये गिफ्ट दिया जा रहा है श्रीलंका टीम को, ताकि वो कोई और वो भी खुश हो के जाए, जो ये सारा कुछ किया गया हमारी आवाम देखें। ये मैच हारने की खुशी नहीं है, ये सिर्फ मैच होने की खुशी है कि पाकिस्तान लाहौर में मैच खेला जा रहा है यहाँ, ताकि और भी टीमें आएँ। किसी को भी नहीं, ये सिर्फ परफॉर्मेंस, मैंने कहा है कि सिर्फ गिफ्ट दिया जा रहा है, हमें साफ पता है, हमें भी पता है कि मैच हारा जाना है। यकीन मानो कि बड़ा ही बेकार मैच सी, मज़ा भी आया पर बोर हो, अगले मैच दी टिकटा लगियां सी उत्थे पाड़ के सोटा है यार, की फायदा, जज्बात नाल खेलना है। बच्चे आके सीनियर प्लेयर वो हंडे वरते, कोई भी ऐसा साडा प्लेयर नहीं सी जिहड़ा हंडे वरते ना होवे, हर प्लेयर सीनियर सी, तो तुहानू बच्चे आके जिहड़ा ना अगले हरा के वो जा रहे ने।
तो यारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा और वीडियो देखकर आपको जरूर मजा आया होगा, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि जब लोग ऐसे हारते हैं और जब ऐसे लोगों को जूते पड़ते हैं तो और मजा आता है। तो आपने एंजॉय किया होगा, होप कि पाकिस्तान में और सीरीज हो और लोग वहां पे जाएं मैच देखें, लेकिन इस तरह से ना देखें। और मेरी गुड विशेज हैं, वेल विशेज हैं कि पाकिस्तान की टीम भी कभी जीते और उनके जो जज्बाती फैंस हैं वो भी अपने देश के लिए चीयर अप कर सके, मैं यही कह सकता हूँ। क्योंकि अभी इंडिया में मैच आपको पता चल रहा है और इंडिया ने बुरी तरह से साउथ अफ्रीका को हराया है, तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम भी जीते, मैच करवाएं और अपना ध्यान अच्छे कामों में लगाएं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपने वही करना है, क्या करना है, अपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और यार सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।